हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एज पाठशाला। मैं हूं डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एज पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नर्व सेल्स के बारे में प्लस बेसिक्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन के बारे में, और ये वीडियो काफ़ी पार्ट्स में आएगी, सो कीप वॉचिंग। तो नर्व सेल्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी सेल बॉडी है, ये जो है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से फ्रॉम हियर से लेकर यहाँ तक, ये पूरी आप इसको क्या बोलते हो, सेल बॉडी बोलते हो। तो ये जो सेल बॉडी है इसके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं, सेल बॉडी के पास एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं जो कनेक्ट करने में मदद करते हैं, और यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्पेस होता है इसके अंदर। और इधर जब आप पीछे की तरफ इसमें जाते हो टुवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है वो एक्सॉन है। एक्सॉन क्या काम करता है, ये ट्रांसमिशन करवाने में मदद करता है ऑफ द नर्व इम्पल्स, है ना। यहाँ पे फिर शॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर होता है, और ये जो है ये माइलिनेटेड नर्व है या न्यूरॉन है। माइलिनेटेड जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइलिन की एक कवरिंग है इनके पास, है ना। और यहाँ पे बीच बीच में इधर स्पेस खाली है, तो इसी स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, नोड ऑफ रेनवेयर, ठीक है। और यहाँ पे इसी माइलिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, दे विल हैव शॉन सेल्स, और यहाँ नीचे सबसे लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल होंगे जो कि अगले न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का जो हम सब जानते हैं, तो इसमें जो हम नहीं जानते वो डिस्कस करते हैं। तो देखो, न्यूरोट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब बहुत फास्ट एक इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन होता है जो कि नर्व इंपल्स के थ्रू मीडिएट होता है, जैसे आपको किसी ने पिंच किया, आपको किसी ने चांटा मारा, आपके ब्रेन को तुरंत पता लग जाता है, तो वो जो ट्रांसमिशन है वो विद इन फ्रैक्शन, मतलब दैट इज नॉट इवन टेकिंग अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सो इट्स वेरी फास्ट। और आपको किसी ने चांटा मारा तो आप वेट नहीं करते हो, आप पलट के फिर मारते भी हो, तो वो आपका एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों चीजों को कौन कंट्रोल करता है, नर्व इम्पल्सेस। हाथ जल गया, हाथ हटाने का काम, ये सारी चीजें जो है ये क्या होती है, ये हमारा जो नर्व इम्पल्स है उसी से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यूरो ट्रांसमिशन की जब बात करेंगे तो न्यूरो ट्रांसमिशन में हमने क्या बोला कि जो कम्युनिकेशन होता है इन बिटवीन द सेल, तो वो जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं उसके थ्रू मीडिएट होता है, ठीक है। और न्यूरॉन या नर्व सेल जो है, हम लोगों ने क्या बताया कि दे कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स इलेक्ट्रिकली अलॉन्ग इट्स हाईली एक्सटेंडेड लेंथ, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, है ना। तो ये जो भी कोई सिग्नल है वो वाया द एक्सॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा वन सेल से अनदर सेल तक, ठीक है। सो ये जो है ये सारी जो चीजें हैं इसका कुछ प्रोसीजर होता है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो द सिग्नल ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन्स एज वेल एज यानी आई मीन ट्रांसमिशन बिटवीन न्यूरॉन एज वेल एज बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स और ग्लैंड्स, दैट इज गोइंग टू बी मीडिएटेड वाया केमिकल न्यूरोट्रांसमिटर्स और वाया द इम्पल्सेस। तो वो दोनों पाथवेज हम देखेंगे कि कैसे दोनों तरीके से ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स, नर्व जनरेट, जो भी इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होता है एक पॉइंट पे, ठीक है। सो यहाँ हम देखते हैं कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स, नॉट ओनली न्यूरॉन्स बट ऑल्सो द मसल्स, एंडोक्राइन एंड एग सेल्स, दे विल कंटेन वोल्टेज गेटेड कैटायन चैनल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोल्टेज गेटेड कैटायन चैनल्स में आप यहाँ पे दो तरह के चैनल्स पढ़ोगे, एक होगा सोडियम चैनल और दूसरा होगा पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो ये दोनों जो है क्या है, कैटायन चैनल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज चैनल्स हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रिगर होता है बाय द डीपोलराइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी सारे टर्म्स का मतलब आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि डीपोलराइजेशन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको प्लीज थोड़ा ढंग से रिवाइज करके जाना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक्शन पोटेंशियल कैसा होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन में जाते हैं। सो सी यू सून, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।